ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। इस राष्ट्र के तुम संचालक, नियामक और जिम्मेदारियों की दृढ़ वाहन करता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता और प्रजा के पोषण के लिए दिया जा रहा है। हे राजन, तुम इस राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो। तुम इस राष्ट्र के सच्चे स्वामी बनो। तुम अविचल रहो, स्थिर रहो। प्रजा तुम्हें चाहती रहे। तुमसे कभी राष्ट्र का अधापतन न हो, अमंगल न हो। ये पवित्र धरोहर तुम्हें इसलिए सौंपी जाती है कि तुम प्रजा के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए लगातार कोशिश करते रहो। हे इंद्र, हे इंद्र, हमें रित की राह पर ले चलो। हमें रित की राह पर ले चलो। हमें सच की राह पर ले चलो। हमें सच की राह पर ले चलो। हे राजन, तुम बाघ हो, अब इस बाग चर्म पर बैठो। इस महान राष्ट्र पर राज करो। सभी गोत्र तुमसे यही चाहते हैं। एक बात सदैव याद रखना राजन, धर्म का मूल वेद है, राजा नहीं। राजा को हमेशा ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, यही राजा का धर्म है। जो राजा बृहस्पति की आराधना करता है वो शक्ति और शौर्य से भरा रहता है, उसे सुख और शांति मिलती है, और ऐसे राजा को प्रजा आदर, सम्मान और शुल्क देती है जो ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। किसे पकड़ा है? दुष्ट है, चोर है या हिंसक है? प्रधान जीवग्रीव, कोई शातिर है, सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहा। बंदी, मैं जीवग्रीव हूँ, पुर का प्रधान जीवग्रीव। तुम जैसे अपराधियों को बंदी बनाना मेरा काम है। रात में पहरेदारी करते हुए मेरे इंद्र सखाओं ने बिना कारण से तुम्हें नहीं पकड़ा होगा। अपना अपराध स्वीकार करो तो मैं तुम्हारा दंड कम करवा दूंगा। मुझे अपने राजा के सामने पेश करो। इसका अपराध क्या है? आर्य अंधेरे में नौका से उतरा और पुर की ओर दौड़ने लगा। मैंने पुकारा, रुकने के लिए कहा। मैंने से चिल्ला कर कहा कि मैं इंद्र सखा हूँ, रात का पहरेदार हूँ, पर ये नहीं रुका। हम इंद्र सखा हैं, जब हम चलते हैं तो तेज हवाएं भी धीरे से बहती हैं। कोई किसी के घर की ओर नजर उठाकर नहीं देखता, और जब हम गलियों से गुजरते हैं तो घरों में स्त्रियां और गली में कुत्ते चैन की नींद सोते हैं। ऐसे ही हमें इंद्र सखा नहीं कहते? पर ये हमारी आंखों में धूल झोंकने चला था, पर हमने इसे धर दबोचा। क्यों भाग रहे थे? अंधेरा होने से पहले पुर में पहुंचना चाहता था। पुकारा तो रुके क्यों नहीं?
जल्दी में था। डर था कि पुर का द्वार बंद हो गया तो सारी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। द्वार तो बंद हो चुका था। मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन तुम्हारे इंद्र सखाओं ने मुझे रोक लिया। तुम हो कौन? अग्नि। क्या अग्नि तुम्हारा नाम है? नहीं, पर हमें तो इसने वरुण कहा था। तुम मुझे वरुण भी कह सकते हो। प्रधान जीव ग्रीब, हमने कहा था ना कि ये बहुत छात्र है। मान लिया कि तुम्हारा नाम अग्नि है, पर तुम करते क्या हो? जो अग्नि करता है। यानी? मैं अपराधियों और घर में सेंध लगा के चोरी करने वालों को दंड दिलवाता हूँ। कैसे दंड देते हो तुम उन्हें अग्नि? अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना इकट्ठा करके मैं अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ। मैं अपने गुप्तचरों से घिरा रहता हूँ, जैसे वरुण अपने जासूसों से घिरा रहता है। राजा मुझे शत्रु के पास भेजते हैं। क्या तुम जासूसों के प्रधान हो? मैं जासूसों से अलग हूँ, पर जासूस मेरे लिए काम करते हैं। प्रधान जीव ग्रिप, आप कहें तो रुई की तरह इसकी धुनाई करते हैं। आप दूत हैं? मैं अग्नि हूं। आदेश आ रहा है। क्षमा करें अग्नि, अगली बार देखना तो पहचानना नहीं। ऐसा ही होगा। कौन था ये अजीब आदमी प्रधान? राजा का दूत। अग्नि को वेद में दूत कहा गया है। उजाला देते हैं पर अंधेरे में रहते हैं। अगली बार गलती करते देखना तो पकड़ना, पर पहचानना नहीं। पुरुओं ने दस्युओं के दुर्ग तोड़ दिए और नगर को लूट लिया है। कुरुओं ने पांचालों पर हमला कर दिया है। सरस्वती, गंगा और यमुना में लाशें बह रही हैं। सब कुछ तहस नहस हो रहा है राजन। गायों, बच्चों और औरतों की पुकार स्वतंत्र रहने का एक ही मार्ग बचा है। या तो हम अपने राज्य का विस्तार करें या पड़ोसी राज्यों के साथ शांति का समझौता करें, या तो दूसरों से उनकी सुरक्षा की कीमत लें या अपनी सुरक्षा की कीमत दें। पुरु, कुरु, पांचाल, ये सभी अश्वमेध के लिए उतावले हो रहे हैं राजन। हमें अपने पुरों, अपने ग्रामों को अभेद्य बनाना होगा। हमें दुर्ग बनाना होगा राजन। राज्य विस्तार का शंखनाद हो चुका है। अब गोत्रों पर टिके शासन का कोई भविष्य नहीं। ये छोटे छोटे गणराज्य भी कब तक अपनी रक्षा कर पाएंगे? एक स्थिर और समृद्ध राज्य के लिए एक सुदृढ़ कोष चाहिए। हमारे पास ना तो सुदृढ़ कोष है ना भविष्य के लिए कोई सुरक्षित निधि। इन दोनों के बिना राज्य संकट में आ जाएगा। पहले प्रजा राजा को अपनी इच्छा से आगे बढ़कर बलि देती थी, पर अब ना बलि मिल रही है और ना ही कोई भाग। ब्राह्मण भिक्षा पर जीता है, क्षत्रिय युद्ध जीवी है, शूद्र के पास कुछ भी नहीं। अब बच जाता है वैश्य, जो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर जीता है। कर का बोझ भी उसे उठाना है। किसी ना किसी रूप में राज्य कर सभी से लेता है, पर वह पर्याप्त नहीं है। राजा, प्रजा से कृषि और पशुओं का छठा भाग लेना पड़ेगा। बलि मांग कर तो देखिए, कुछ लोग छठे हिस्से से ज्यादा भी देंगे। उपज का छठा हिस्सा देना जरूरी कर दीजिए राजन। अग्नि, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो अच्छी उपज और पशुधन में वृद्धि के बाद भी राज्य को कर नहीं देते होंगे। कर चुराने वालों की संख्या बड़ी है राजन। कई ऐसे भी हैं जो कर बचाने के लिए उपज कम दिखाते हैं, और कई कर लेने वाले बलि साधक या बलिपति ग्राहक को रिश्वत देते हैं। अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजो और कर ना देने वालों का पता लगाओ। पुरखों ने अग्नि से कर दिलवाने की प्रार्थना ऐसे ही नहीं की है। राजा, मैं आज ही घोषणा करवाता हूं कि राज का भाग दिए बिना कोई भी अनाज खेत से घर नहीं ले जाएगा। मैं कर जमा करने वाले बलिपति ग्राहकों से बात करता हूं। पड़ोसी राज पर ध्यान रखना। चुनौती प्रजा की रक्षा और कोष के निर्माण की है। कोई खास बात है मित्र? आज गांव में बहुत सारे इंद्र सखा घूम रहे हैं। गोप, राजा ने सावधान रहने को कहा है। मनुष्य हो या पशु, सभी सुरक्षित और निर्भय होने चाहिए। ना जाने मनुष्य कब युद्ध के भय से छुटकारा पाएगा।
तुम्हें क्या लगता है युद्ध आ रहा है? तुम्हें और मुझे गांव की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। पुरखों ने तुम्हें अग्नि और मुझे इंद्रसखा इसीलिए कहा है। तुम जलते रहो, मैं जागते रहूंगा। प्रजा की रक्षा के बदले आप अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। यह आपका शुल्क है राजन। आप भी एक अधिकारी हैं जो सेवा के बदले में शुल्क लेता है। प्रजा के एक सेवक से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं हूं महिषी। इंद्र पृथ्वी से जल लेते हैं और बारिश की बूंद बूंद से पृथ्वी को जल वापस कर देते हैं। राजा भी कर इसीलिए लेता है। अगर मैं कर लूं और लोगों को कुछ वापस ना दूं तो उनका जीवन नरक हो जाएगा। यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। इसलिए हर राजा को बड़ी जिम्मेदारी से कर तय करना चाहिए और उतनी ही जिम्मेदारी से प्रजा को कर देना भी चाहिए। प्रजा की रक्षा और समृद्धि मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे प्रजा मुझसे घृणा करे। मेरी प्रजा से कर जमा करने वाले बागदूग और बलिपति ग्राहक ये ध्यान दें कि कर की प्यास ऐसी भी ना हो कि वो राज्य के आधार प्रजा को ही नष्ट कर दे। राज्य की आय प्रजा की पैदावार और उसकी संपत्ति बनाने पर निर्भर करती है। राज्य के कोष में धन तब आएगा जब प्रजा के कोष से कुछ कम होगा। इसलिए हमें राज्य के हित और प्रजा के हित में मेल मिलाप करना होगा। दूध की कामना रखने वाला कभी गाय के थनों को काट कर दूध नहीं पा सकता। गाय का दूध चाहने वाले को गाय की देखभाल करनी पड़ती है। वाह भीष्म वाह। राजा द्वारा सुरक्षित धरती जैसे राजा को अन्न और धन देती है, वैसे ही संतुष्ट मां अपने बच्चे को दूध देती है। सुनो सामागी, महाभारत में भीष्म आगे कहते हैं, जब गाय के बछड़े को माँ का दूध पीने दिया जाता है तो बछड़ा तगड़ा बनता है और थकान सह सकता है। पर यदि गाय को ज्यादा धू लिया जाए तो बछड़ा कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही राज्य में यदि प्रजा को ज्यादा धू लिया जाए तो प्रजा कुछ भी उपयुक्त पाने में असफल रहती है। कामंदक ने भी राजा को ग्वाले की तरह काम करने और कर लेने को कहा है। पंचतंत्र में भी ऐसा ही मत है कि जो बकरी को मार देता है उसे एक समय का भोजन तो मिल जाएगा पर जो बकरी को अच्छी तरह से पालता है उसे बरसों तक दूध मिल सकता है। महाराज मनु ने कहा है कि जिस तरह जोंक मधुमक्खी बछड़ा थोड़ा थोड़ा कर अपना भोजन करते हैं, वैसे ही एक राजा को भी मर्यादित कर तय करना चाहिए। स्वच्छता कई प्रकार की होती है पर संपत्ति पाने में स्वच्छता सर्वश्रेष्ठ है। कर दिए बिना संपत्ति रखना अपवित्रता है और कर का प्रजा के लिए सदुपयोग ना करना वो भी अपवित्रता है। इसलिए मेरे कर जमा करने वाले भागदू का ध्यान रखें कि वह राजा जो प्रजा का शोषण करता है वो बहुत जल्द ही अपना राज और जीवन दोनों खो बैठता है। इसलिए मेरी प्रजा से कृषि मांस पेड़ कंदमूल बर्तन और पत्थरों से बनी वस्तुओं का छठा हिस्सा लें और स्वर्ण और पशुधन की वृद्धि का सिर्फ 50वां। महाराज मनु ने आदेश दिया है कि 2 माह या उससे अधिक की गर्भवती स्त्री सन्यासी वेद पाठी ब्राह्मण और वनवासी से नदी पार करने का नौका कर ना लें। राजन यदि किसी निर्धन के पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो अपने पुण्य का छठा हिस्सा कर के रूप में राज्य को दे दे। बिना धन के अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? किसी के पास कोई उत्तर नहीं। राजन तिल से तब तक तेल नहीं निकलता जब तक उसे सुखाया नहीं जाता। टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाता
दबाया और पीसा नहीं जाता। उसी तरह जब तक प्रजा को दबाया नहीं जाएगा वो कुछ देने वाली नहीं। तो किसने रोका है तिलों से तेल निकालने को? शूद्र और ब्राह्मणों से तो कुछ मिलना नहीं। क्यों? शूद्रों से काम कराया जा सकता है और उनकी सेवा का शुल्क राज्य ले सकता है। ये अनर्थ होगा राजन, ऐसे विचारों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। सेवा करने के अलावा उसके पास बचा क्या है? जो जीवन भर कष्ट सहता है उसे और कष्ट दिया तो अश्वमेध यज्ञ की अग्नि आपकी आहुति ग्रहण नहीं करेगी। तो ब्राह्मणों से लें, यज्ञ की आहुति से ज्यादा आहुति तो उन्हें मिलती है। अनर्थ। राजन, ब्राह्मणों से उनको मिलने वाली भिक्षा का भाग लेना चाहिए। हर घर से उनको भिक्षा मिलती है। सुन ले सभी लोक सेवक, जिस राष्ट्र में भिक्षा के अन्न पर जीने वाले अपरिग्रही बुद्धिजीवी वेदज्ञ ब्रह्म का अनुसंधान करने वाले जन्मना नहीं कर्मणा ब्राह्मण को कष्ट दिया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, वो राष्ट्र वैसे ही डूब जाता है जैसे छेद वाली नौका पानी में डूब जाती है। सावधान राजन, तुम्हारे लोक सेवक तुम्हें नर्क का द्वार दिखा रहे हैं। जो राजा कर लेकर अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता वो नर्क में जाता है। कौन कहता है? मैं नहीं, ये मनु ने कहा है। प्रजा अपनी फसल का छठा भाग आपको इसलिए देती है कि आप प्रजा को न्याय दें और राष्ट्र को शांति। कौन कहता है कि जो छठा भाग लेकर भी प्रजा की रक्षा और सुशासन नहीं देता वो डाकू है, जो छल से प्रजा का छठा भाग चुराता है? महाभारत! तुम लोग लोक सेवक हो या डाकू? सावधान राजन, मैं तुम्हें प्रजा की संपत्ति पर डाका डालने नहीं दूंगा। मैं समिति से सदस्यों को तुरंत बुलाना चाहूंगा। गिरफ्तार कर लो इस उदंड पुरोहित को। यमराज तेरी ओर बढ़ रहा है राजा, उस पर तेरा शासन नहीं चलेगा। भूल जा अश्वमेध को और अपने मेध की चिंता कर। खबरदार, जो किसी ने बुद्धिजीवी और श्रमजीवी को छुआ। क्या रे सायण, सुना है तू पत्नी को भी शास्त्र सिखा रहा है? घर में शांति रहती है आचार्य, मैं बोलता रहता हूँ वो सुनती रहती है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। चल झूठा, तू बोले तो सरस्वती भी सुनती है। भारत और विजयनगर में गार्गी, मैत्री, घोषा, अपाला, शाश्वती, सूर्य सावित्री, सुर्वचला होनी चाहिए। मैं तो उन वैदिक विदुषियों से क्षमा मांग रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो परंपरा जीवित रहे। सोचिए कैसा होगा वो भारत जहाँ देश के कोने कोने में गार्गी प्रश्नों के तीर लिए याज्ञवल्क्य को चुनौती दे। हम सरस्वती की उपासना करते हैं पर सरस्वती स्वरूपा को ज्ञान से वंचित रखते हैं। जिस दिन हमने प्रजापति की बेटियों को श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार दे दिया ना, उस दिन सही अर्थों में धर्म की विजय होगी। राजा का हिस्सा लेने भाग दुख तो नहीं है, मगर ये बिन मौसम के बादल आ गए। स्वामी, अगर आप कहें तो सारा अनाज कोठरी में रख दें, बरसात आ गई तो सारा अनाज भीग जाएगा। बिल्कुल नहीं, जब तक राजा का भाग अलग नहीं हो जाता तब तक अनाज का एक दाना भी नहीं हटेगा यहाँ से। अब ये अनाज बंधन में है और ये कर लेने वालों के सामने ही खुलेगा। इसमें से किसी ने एक दाना भी लिया तो वो नर्क में जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, भाग दूंगा है तो मुझे बुलवा लेना। जी स्वामी। एक बात याद रखना, मेरी गैर हाजिरी में भाग दुख अनाज का हिस्सा करे तो बंधन में रखा अनाज भी ढेर में मिला देना। क्यों मालिक, एक मुट्ठी भर ही तो है। एक मुट्ठी ही सही, मगर इसमें भी राजा का हिस्सा है और राजा के हिस्से का एक दाना भी लेकर मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। जी मालिक। प्रणाम देवता। प्रणाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? पास के राज्य से।
गंगा तट से। राजा सुपर्ण के राज्य से। किससे मिलना है आपको? आपके धर्मप्रिय राजा सुबंधु से। जी आइए। रज्जु ग्राहक महाभाग, नापे गए खेत के अनुपात में उपज ठीक लगती है? जी आमात्य। प्रणाम द्रोण मापक। प्रणाम रज्जु ग्राहक। मेरे इंतजार की क्या आवश्यकता थी? आपने राजभाग का बंटवारा कर लिया होता। यह अधर्म होता। आपकी सहमति हो तो राजभाग के लिए अनाज का विभाजन किया जाए। अनाज के भाग से आप संतुष्ट हों तो हम राज भाग उठा लें। ये उन गायों के नाम से राजा को, जिसके रास्ते में गायें चारागाहों में चरती हैं। ये उन नदियों के नाम से, जो मनुष्य और पशु की प्यास बुझाती है। ये उन पक्षियों के नाम से, जिन्हें हम खेत से भगाते हैं। ये हम सबके पुरखों के नाम से, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। और ये भिक्षा पे पलने वाले, कष्ट में जीने वाले उन निर्धन लोगों के नाम से। अमात, अब आप राजा का भाग ले जा सकते हैं। जहां राजा अराजक हो, ऐसे राज्य को छोड़ने का शास्त्र भी आदेश देते हैं। जहां राज पुरोहित बंदी हो और श्रमजीवी को सताया जा रहा है, ऐसे राज्य में बुद्धिमान एक पल भी रहना नहीं चाहेगा। हम अपने समस्त कुलगोत्र के साथ आपके राज्य में बसना चाहेंगे राजन। हमारे पास केवल ज्ञान और गायें हैं। और मेरे पास दोनों के लिए आश्रय है। मेरा राष्ट्र आपको भूमि देगा। यह अच्छा मौका है राजन। हम बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, कर्मकार, नट, नर्तक, मल्ल आदि को अपने राज्य में बसाएं और अपने नए जनपद बनाएं और उस दुष्ट सुपर्ण के राज्य में भी। सुपर्ण के राज्य में यानी? उसका राज्य हमारा हो सकता है। जिस राज्य में बुद्धिजीवी, श्रमजीवी असंतुष्ट हो, वहां राजा को उलटने में देर नहीं लगती। हम राजपुरोहित को कारागार से बाहर निकालें और श्रमजीवियों को कष्टों से मुक्ति और उनका अधिकार दिलाएं। अनिकिनी और वरुत, ये सेना की छोटी टुकड़ियां हैं राजन। इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे और सैनिक, रथ, रथकार, सूत, सारथी और शस्त्र बनाने वाले करमार चाहिए। बड़ी सेना यानी और कर। राज्य विस्तार के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा राजन। आपको विश्वास है कि देवता हमें सफलता देंगे? मुझे दुख भोग रहे लोगों की ताकत में विश्वास है। वामन जब पैर उठाता है तो सीधा बलि के सिर पर रखता है, तब बड़े बड़े मुकुट धूल में लौटते हैं। अब तैयारी करें सेनापति। मैं बलि एकत्र करता हूं, आप बल इकट्ठा करें। अग्नि कहाँ? श्रमजीवियों ने अपने औजारों को हथियार बना लिया है और बुद्धिजीवी पीछे ना हटे तो मैं कारागार में सेंध लगा दूंगा। तुम्हें क्या संकोच है? यदि उनकी समिति ने किसी और को राजा चुना तो? जो आयुधजीवी और पशुपालक अपने श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के साथ नहीं, ऐसे राज्य को कुचलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। यदि निश्चय यही है तो विजय हमारी होगी। मैं अपने गुप्तचरों के साथ अब शत्रु राज्य में ही मिलूंगा। सभापति, राजन की आज्ञा से ये उर्वरा अब इनकी हुई। अब से इनका गोत्र होगा उर्वरापति।
और आगे जाए दूध भाग। 100 भूमि और। अंतिम निर्णय अस्तपति उर्वरा देख कर लेंगे। स्वामी, क्या वैदिक काल में भी भूमि नापने की कोई व्यवस्था थी? तुम्हें भी संसर्गजन्य रोग हो गया। ये रोग अच्छा है स्वामी। ऋग्वेद में भूमि सर्वेक्षण का वर्णन है। उदाहरण के लिए ऋभुमो द्वारा एक व्यक्ति की भूमि को दंड से नापने का ऋग्वेद में उल्लेख है, लेकिन इससे हमें दंड के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को भूमि दान देने का भी उल्लेख है। उर्वरा यानी खेत और उर्वरापति यानी खेत या भूमि का स्वामी जैसे शब्द ऋग्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण में भूमि शब्द नाप के लिए मिलता है, पर यह दंड द्वारा नाप के लिए प्रयोग होता था या नहीं ये कहना कठिन है। जातक कथाओं से भी हमें प्राचीन व्यवस्थाओं का पता चलता है। कुरुदम जातक में एक रथ के सारथी द्वारा भूमि नापने का उल्लेख है। ऐसा वर्णन है कि सारथी ने रस्सी का एक सिरा, जो उसने एक छड़ी से बांध रखा था, खेत के मालिक को दिया और वैसी ही छड़ी से बंधा दूसरा सिरा खुद अपने हाथ में लेकर जमीन नापने चल पड़ा और जहां नाप खत्म करने के लिए रुका वहां केकड़े का बिल था। अब वो सोचने लगा, यदि मैं छड़ी बिल के भीतर रखता हूं तो राजा का नुकसान होगा और छड़ी बिल के बाहर रखता हूं तो किसान का नुकसान होगा, अब उसे क्या करना चाहिए? इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भूमि सारथी नापते थे। इससे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भूमि नापने के लिए दंडक का प्रयोग होता था जो रस्सी से जुड़ा होता था और ऐसे सर्वेक्षक को रज्जु गाहक अमात या रज्जु ग्राहक अमात्य कहते थे। सारथी की छड़ी बिल के भीतर या बाहर रखने की दुविधा हमें इतना जरूर बताती है कि सर्वेक्षण कितनी बारीकी और साफ मन से किया जाता था। यही लोक सेवक का धर्म है। ये राजभाग है। पर ये तो फसल का एक तिहाई भाग है। राजा का अधिकार छठे भाग पे होता है। ये संकट का समय है। ऐसे में राजा जितना चाहे प्रणय कर ले सकता है। कौन सा संकट? यदि राष्ट्र पे संकट है तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहने को तैयार है। पर ना अकाल है, ना महामारी, ना युद्ध, फिर कौन सा संकट? राजा के निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकार ना तुम्हें है ना मुझे। अधिकार है, राजा से प्रश्न करने का अधिकार सभा को है, समिति को है, जन को है। मैं राजा का नहीं, राजा प्रजा का सेवक है। मनु से लेकर आज तक यही परंपरा रही है। जब तक सभा की आज्ञा न हो एक दाना नहीं उठाने दूंगा, चाहे मुझे राजद्वार तक क्यों न जाना पड़े। सभापति, ये राज्य की ओर से डाका है। सभापति, डाका। राज्य को चमड़ा चाहिए, इसलिए मेरी बकरियों को मार दिया गया। ये कैसा कर है? और ऊपर से वे लोग मेरा पका हुआ अन्न भी खा गए। ये राज आज्ञा का मामला है, मैं अभी प्रश्न विभाग को बुलाता हूँ। किसे दंड देंगे प्रश्न विभाग? क्या दे सकेंगे न्यायाधीश राजा को दंड? मेरी बकरियों की तो खाल उतर चुकी है। और क्या न्यायाधीश के आने तक मेरा अनाज खेत में पड़ा रहेगा? जो बेमौसम बारिश से मेरा अनाज बह गया तो? सभापति, क्या सभा अब न्यायपालिका नहीं रही? मैं तुम्हें 100 गायों का दंड देता हूं। मैंने किसी की हत्या नहीं की है प्रश्न विभाग, ये तो हत्यारे का दंड है। तुमने राजा की निंदा की है। राजा की निंदा राजा की हत्या है। राजन, न मैंने आपकी आलोचना की है न निंदा। मैंने केवल भागदूक से इतना पूछा था कि संकट किस पे है। प्रश्न विभाग का निर्णय अंतिम है। राजन, इसका अपराध क्या है सभापति? पहला अपराध, इसने ऋण लिया पर चुकाया नहीं। फिर दूसरा भी अपराध किया? फिर इसने जुआ खेलने के लिए नकली पासे बनाए। और कुछ बाकी है? इसने धोखेबाजों और दुष्चरित्र लोगों को अपनी छत के नीचे रहने दिया। और पत्नी ने मना नहीं किया? मेरे जुए की आदत के कारण उसने मुझे छोड़ दिया है राजन। इसने उन ठगों को भी ठगा और सबका कर चुकाने के लिए एक घर में सेंध लगाई। ग्राम में चोरी होने के कारण आपके सिपाही और उनके सहायक आए, उनका खर्च उठाने के लिए भी गांव को कर देना पड़ा। इसके कारण ठग और दुष्चरित्र लोगों को गांव में छत मिली, इसके लिए भी गांव को दंड देना पड़ा। आपके सिपाहियों ने इसे ढूंढ निकाला है, अब आप ही इसका निर्णय कीजिए। अपने बचाव में तुम्हें कुछ कहना है? जी हाँ, कहो। मेरे साथ साथ वरुण देवता को भी दंड दिया जाए राजन।
वरुण को? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने वरुण देवता की बहुत प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करें कि मुझे ऋण ना चुकाना पड़े, लेकिन ऋण से बचाना तो दूर, उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। ऐसी प्रार्थना लिखी ही क्यों ऋषियों ने जो वरुण देवता सुनते नहीं? मैंने तो ऋषियों के लिखे पर भरोसा किया था राजन। आज के बाद कानून पर भरोसा रखना। जी। मुझे एक अंतिम अवसर और दे सकते हैं राजन? कैसे? आप एक बार मेरे साथ जुआ खेल लीजिए, मैं सभी का ऋण चुका दूंगा। हाँ सच में। प्रश्न विवाह ही तुम्हारा निर्णय करेंगे। ऋण देने वाले क्या इसे निश्चित समय तक अपना दास बनाने को तैयार है? मैं उधारदाताओं का दास नहीं बनूंगा राजन, वो मुझे द्रुपद से बांध कर रखेंगे। जहां भी ले जाएंगे ऐसे बांध कर ले जाएंगे, मेरा कितना अपमान होगा। इससे अच्छा तो है कि आप मुझे कारागार में ही डाल दीजिए। राजन, कोई भी इसे एक दिन के लिए भी अपना दास बनाने को तैयार नहीं है। वो क्या, मैं स्वयं उनका मुंह नहीं देखना चाहता राजन। जुआ छोड़ो और खेती करो। जी, अब इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं बचा है। प्रश्न विभाग, सभापति, इससे खेतों में काम करवाएं और श्रम के बदले जो मूल्य मिलेगा उससे ही ये अपना ऋण चुकाए। गोप और इंद्र सखा, इस पर ध्यान रखें, श्रम में अगर कोई कोताही हुई तो इससे राजभूमि पर कड़ी मेहनत करवाई जाए। सारा ऋण चुकाने के बाद ही इसे राजसेवा में रखा जाएगा, ताकि ये गांव गांव जाकर जुए के विरुद्ध प्रचार करे और लोगों को जुए से दूर रहने की सलाह दे सके। राजन, प्रजा अतिरिक्त कर देने का विरोध कर रही है, प्रजा सभा में आवाज उठा रही है, सभासद उनके साथ हैं। जो भी विरोध करे उसे कुचल दो, खेतों से अनाज उठा लो, गोत्रों से पशु, और जो मांगने पे ना दे उसे छीन लो। स्वामी, क्या अश्वमेध डाला नहीं जा सकता? आर्या, साम्राज्य को बनाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे स्वर्ग का स्वामी इंद्र है, वैसे भूमि का स्वामी मैं हूं। मैं उन्हें मेरी संपदा का उपभोग करने देता हूं, इसलिए मैं उनसे कर लेता हूं। क्यों राजपुरोहित? आप भोग के रूप में प्रतिदिन सभापति को फल फूल दूध दही मक्खन छाछ ईंधन मांस सब्जियां जड़ी बूटी आदि देते हैं, जो स्थानीय अधिकारियों में बांट दिया जाता है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। इस कोष के कारण शासन न्याय सुरक्षा और लोक सुविधाएं प्रदान करता है। इस कोष के कारण गांव में तालाब हैं, कुएं हैं। इस कोष के कारण गांव में गोप हैं, इंद्र सखा कुलपा विराजपति और ग्रामणी हैं। कर के कारण सेना है। कर है तो पूरी व्यवस्था है, कर नहीं तो व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था नहीं तो मात्र न्याय। इसलिए मैं हर गांव से आवाहन करता हूं कि वो प्रमाणिकता से अपना कर दें, ताकि मेरे दूत कर चोरी करने वालों से दूर रहें। गाय सूंग कर देखती है, बुद्धिजीवी की आंखें ज्ञान है, और मेरी आंखें मेरे गुप्तचर हैं। मेरे गुप्तचरों की आंखें आपके धन पर ना पड़े, ऐसा कुछ करें, यानी सभी कर दें। और यदि मेरे कर जमा करने वालों की आंखें और मन आपके धन पर पड़ जाएं, तो पहले मुझे सूचित करें। और प्रजा से एक प्रार्थना, गोत्र और गण अब संगठित हो रहे हैं, गण संघ गणराज्य में बदल रहे हैं, बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो रहा है, राज साम्राज्य में बदल रहे हैं। इसलिए अब सुरक्षा के लिए अनिकनी और वरुथ जैसी छोटी सैनिक टुकड़ियों से काम नहीं चलेगा, हमें एक बड़ी और प्रशिक्षित सेना की जरूरत है। हमें समृद्धि के लिए कृषि पशुपालन और व्यवसाय का विस्तार करना होगा, नदियों के पार दूर देशों में व्यवसाय के लिए जाना होगा, अपना देश बनाना होगा। इसलिए आप समृद्ध और अपने देश के राष्ट्र के कोष को समृद्ध बनाएं। इसलिए मैं आप सभी से आवाहन करता हूं कि जो अपनी इच्छा से आगे बढ़कर राज्य की समृद्धि के लिए बलि देना चाहता है वो बलि दे, और मैं आपको वचन देता हूं
कि मैं आपको एक सुदृढ़ और एक समृद्ध राष्ट्र दूंगा। आचार्य, मुझे राष्ट्र और राज का अंतर समझ नहीं आ रहा है। आचार्य, इसे तो खीर और फाइस का अंतर भी कहाँ समझ में आता है। मतलब खाने से है ना, तुझे पता है तो तू बोल ना। खीर और पायस अलग अलग। मैं खीर और पायस के लिए नहीं, राज्य और राष्ट्र के बारे में पूछ रहा हूँ। आज हम खीर मोदक मालपुआ की मीठी मीठी बातें करें, बड़ा मजा आएगा। फिर लोग दक्षिणा में मीठी मीठी बातें दिया करेंगे, मिष्ठान नहीं। इसलिए राष्ट्र ही ठीक है। ठीक है ठीक है। वेदों में राज्य के लिए राष्ट्र, क्षेत्र के लिए देश और जनपद के लिए प्रदेश शब्द अलग अलग संदर्भों में छोटे छोटे हेर फेर के साथ आया है। महाकवि वाल्मीकि ने भी राष्ट्र, जनपद और देश का प्रयोग अदल बदल कर राज्य और उसके क्षेत्र के लिए किया है। जैसे वाल्मीकि ने कहा है कि राजा के बिना जनपद या राष्ट्र अराजकता, अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता की ओर ले जाता है। दूसरा संदर्भ, कौशल देश एक विशाल राष्ट्र से घिरा हुआ है। यहाँ राष्ट्र राज्य की प्रादेशिक इकाई बताता है। पर वेद व्यास ने राष्ट्र और जनपद में भेद किया है, क्यों? अब तुम ही बताओ। महर्षि व्यास ने राज्य के लिए राष्ट्र और उसके अलग अलग प्रदेशों के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे राष्ट्र का उत्कर्ष उसके राजा और उसके अलग अलग जनपदों में रह रही उसकी प्रजा के आपसी सहयोग से होता है। पुराणों में आचार्य, पुराणों में जनपद और राष्ट्र समान अर्थ लिए हुए हैं। याज्ञवल्क्य के जनपद और विष्णु के राष्ट्र की प्रकृति समान है। मनु के लिए राष्ट्र राज्य का मुख्य अंग है। मनु का जनपद क्षेत्र है और विषय देश, और दोनों राष्ट्र का हिस्सा है। महाभारत और अमरकोश जनपद, राष्ट्र, विषय और देश में बहुत अंतर नहीं करते। सोमदेव ने नीति वाक्य अमृत में राष्ट्र, जनपद, विषय और देश का लगभग समान वर्णन किया है। महाकवि दंडी ने भी राष्ट्र और जनपद को समान कहा है। यानी गांव और कस्बा जनपद हुए। ठीक। कस्बों और गांव के समूह देश या विषय हुआ। ठीक। और ये सब मिलकर राष्ट्र हुए। तुम्हारे मोदक पक्के हुए। महाभारत 1000 गांवों पर राज्य करने वाले को राष्ट्रीय कहता है, और महावग में बिंबिसार द्वारा 80,000 ग्रामिकों की नियुक्ति का उल्लेख है। आचार्य, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में राज्य बनने की शुरुआत हुई? राज्य, स्वराज्य, भौज्य, वैराज्य, साम्राज्य, महाराज्य, एकारात, अधिरात आदि का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है कि नहीं? मिलता है। यानी वैदिक काल में राज्य बनना शुरू हुए। वैदिक काल में राज्य का तात्पर्य छोटा राज्य, स्वराज्य का अर्थ स्वतंत्र या स्वशासित राज्य, वैराज्य का अर्थ राजा विहीन या गणराज्य, भोज यानी सामंत राज्य। गंगा यमुना प्रदेश में कुरु पांचाल संयुक्त राज्य था जो एक ही राजा द्वारा शासित था। जैसे जैसे गोत्र या जनसमूह देश के अलग अलग हिस्सों में बसने लगे, क्षेत्रीय राज्य या राष्ट्र की अवधारणा विकसित होने लगी। ये उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी क्योंकि राज्य बहुत छोटे थे, पर उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप और राजा की शक्तियां बदल गई। राजा और राज्य अब बड़े हो रहे थे। राज पुरोहित बंदी है और हम चुप हैं। हम यहां अपना पेट काटकर राजा के लिए काम कर रहे हैं और राजा के कर जमा करने वाले किसानों को लूट रहे हैं, उनके घर में घुसकर उनका अनाज छीन रहे हैं, लोगों को गन्ने की तरह पेरा जा रहा है, लोगों से उनका सोना छीना जा रहा है। मैंने तो यहां तक सुना है कि कर जमा करने वालों के अत्याचार के डर से लोग अपने घर के बाहर कांटों की बाड़ लगा देते हैं और सवेरा होने से पहले परिवार समेत वन को चले जाते हैं और अंधेरा होने के बाद वन से लौटते हैं।
पर हम तो निर्बल हैं, हम कर क्या सकते हैं। विद्रोह। आप भी हिम्मत रखो, एक रहो, स्वतंत्रता दूर नहीं है। जा तू भी मर। तुमने क्या किया? अन्याय का विरोध, वही जो एक बुद्धिजीवी को करना चाहिए। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पूर्व में पहले नहीं देखा। कैसे देखते, मैं राजा सुबंधु का गुप्तचर हूं। तुम्हें क्यों पकड़ा? मैंने खुद को पकड़वाया है। क्यों? आपको छुड़वाने के लिए। मतलब? आपकी प्रजा विद्रोह के लिए तैयार खड़ी है। यानी? आधी रात की प्रतीक्षा करिए। शत्रुओं ने कारागार से राजपुरोहित को छुड़ा लिया है, श्रमजीवियों ने कारागार पर कब्जा कर लिया है। सेनापति कहां मर गया? राजन, जन विद्रोह हो गया। प्रजा ने सेनापति को बंदी बना लिया, लोगों ने शत्रु के लिए दुर्ग के द्वार खोल दिए और हमारे कई सैनिक भी उनके साथ हो लिए। क्या आज्ञा है राष्ट्रगोप? प्रजा के भक्षक को बंदी बना लो और राजा सुबंधु के अभिषेक की तैयारी करो। वेद कहते हैं हम एक से अनेक हुए हैं, इसलिए वास्तव में हम सभी एक हैं। हम सभी प्रजापति की संतान हैं, इसलिए हमारे परिवार एक हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा आकाश, हमारी नदियां एक है, तो फिर हम एक क्यों नहीं? वेद कहते हैं संगच्छध्वम सम वदध्वम, सब मिलकर चलो, सब एक दूसरे के विचारों को जानो। जैसे प्राचीन काल में देव एक साथ मिलकर अपना कर्तव्य करते थे, तुम भी मिलकर अपना कर्तव्य करो। तो हम मिलकर अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर सकते? पितरों ने उद्घोष किया, समानो मंत्र समिति ही समानी। आप सबके विचार समान हो, आप सबकी सभा सभी के लिए समान हो, आप सभी का मन समान हो, आप सबका चित्त भी समान हो, तो फिर हमारे मन एक क्यों नहीं हो सकते? ऋषियों ने हमारे लिए प्रार्थना की, समानी वाकुतिहि समाना हृदयानि वा। आप सबके संकल्प एक हो, आप सबका हृदय एक हो, आप सबका मन समान हो, ताकि हम सब मिलकर एक साथ अपना काम कर सके। तो फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते? हमारे विचार, संकल्प और मन एक ना हो तो मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। समिति जिसे भी चाहे अपना राजा चुन सकती है। जो आप ये व्रत लें कि हम खूब अन्न उत्पन्न करेंगे तो मैं राज्य का दंड धारण करने के लिए तैयार हूं। क्या हम यह व्रत ले सकते हैं कि जैसे एक मां के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही इस भूमि पर सभी को रहने का बराबर का अधिकार होगा? क्या हम ये व्रत ले सकते हैं कि हम एक विशाल मन के होंगे, हम तपने वाले सूर्य और बादल की निंदा नहीं करेंगे, हम लोगों की निंदा नहीं करेंगे, हम पशुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, हम स्वयं में सबको और सब में स्वयं को देखने वाले सत्य की उपासना करेंगे? तो मैं आप सबकी रक्षा लेने का व्रत लेने को तैयार हूं।
कि हम पितरों के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा और पशुओं के लिए तृण और जल और खुद के लिए अन्न की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा राज्य बना सकते हैं जहां कोई चोर ना हो, कोई मद्यपान ना करता हो, कंजूस ना हो, कोई श्रद्धाहीन ना हो, कोई दुराचारी ना हो, कोई ऐसा ना हो जो अग्नि की उपासना ना करे और कोई ऐसा ना हो जो दान ना करे, जहां मेघ गरज गरज कर प्रजापति की वाणी दोहराते हो कि दमन करो दुष्टता का, दान करो संपत्ति का, दया करो हिंसा ना करो। राजपुरोहित जी, आज से यहां सभी का राजा प्रजा से कर लेने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला, ज्ञान और धर्म का रक्षक अस्तित्व में आया है। हम शुभ ही देखें, शुभ ही देखें, शुभ ही बोलें, शुभ ही बोलें, शुभ ही सुने, शुभ ही सुने। देश और शुल्क कितने पुराने हैं इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुल्क का उल्लेख अथर्ववेद और देश का उल्लेख वादसनेही संहिता में है। कुछ समझ में आया? तुम्हें परिवार सहित देश निकाला दिया जा रहा है, फिर कभी मेरे देश की तरफ आंख उठा के न देखना, न दिखाई देना। मेरे राजा दयालु हैं, इसलिए तुम्हें जीवन दान दिया जा रहा है। अग्नि, आभार। राजन, आप राज्य संभालिए, मैं चोरों और करचोरों को ढूंढता हूं। Sadama, sadama, dani, sa, sadani, pa, pa, gamare, sadani, sadani, sadama.